क्या तुम में से कोई जानता है मैंने आप सबको एक साथ क्यों बुलाया? जी सर, मुझे पता है आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है, पर मैं किसी को बताऊंगा नहीं। भोसड़ी के हीरो बनने जो बोल लिया वो चुप सुनता रहे। ये मीटिंग मैंने इसलिए बुलाई है क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ। अब तक हमारी कंपनी बहुत डूबी हुई थी, हमसे कोई बात भी करना पसंद नहीं करता था। हमारी कंपनी के प्रोडक्ट खरीदना तो दूर, देखना भी कोई पसंद नहीं करता था। हाँ सर, ऐसे मान लो जैसे कुत्ते भी गालियां मार रहे थे हमारी। ऐसा भी कुछ नहीं है, हल्का फुल्का तो काम चल ही रहा था। लेकिन मैं आज खुश इसलिए हूँ, हमारी कंपनी वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर पहुँच चुकी है। ये सब आपकी मेहनत और हमारी मेहनत है। हमसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ कॉन्टैक्ट करना चाहती है, हमारे प्रोडक्ट खरीदना चाहती हैं। ये कंपनी कितनी नीचे डूबी हुई थी और आज कितने ऊपर पहुंच गई, ये ऊपर वाले का करम है और हम सब की मेहनत जो कि कंपनी इतनी ऊपर पहुंच चुकी है। मेहनत तो सभी करते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत केशव एंड कार्तिक ने की है। आप दोनों से कंपनी बहुत खुश है, इसी वजह से कंपनी ने आपको 10 दिन का टूर पैकेज दिया है घूमने का। तो जाओ ट्रिप के मजे लो और जल्दी वापस आओ, कंपनी को नंबर वन पर लाना है। ये सब यार हमने अच्छा करा जो कंपनी से पैसे ले लिए, पैकेज में यार मजा नहीं आता, अब हम अपनी मर्जी से कहीं भी घूमने जा सकते हैं। हाँ यार सही कह रही है तू, लेकिन यार मुझे एक चीज की टेंशन हो रही है यार, अगर वहाँ पे पैसे कम पड़ गए तो। अरे तू उस चीज की टेंशन मत ले, तू तो वहाँ जाके खर्चा दिल खोल के करिए। बस तू मुझे ये बता तेरे फोन में ओलम ट्रेड ऐप है? वो क्या होता है? कौन सी दुनिया में जी रहा भाई, ओलम ट्रेड एक बेसिक इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन है, यहाँ बहुत ही हाई प्रॉफिटेबिलिटी रेट है, फ्री लर्निंग बेस है और तो और प्रोफेशनल एनालिस्ट से फ्री ट्रेडिंग सिग्नल भी मिलते हैं। तो बस उन सिग्नल्स को मैं फॉलो करके मैं और लाखों इंडियंस पैसा कमा रहे हैं। पर यार ये काम कैसे करता है? ये देख और सीख, मैं एक डेमो ट्रेड ओपन कर रहा हूँ ओलम ट्रेड पर। अब ओलम ट्रेड देता है 1,00,000 डेमो रुपीस ट्रेडिंग सीखने और समझने के लिए। मैं ट्रेड अप ओपन कर रहा हूँ 1,000 डेमो रुपीस यूज करके, अब 1 मिनट में इसका रिजल्ट भी दिख जाएगा। इतनी जल्दी? हाँ देख, मुझे अभी एडिशनल 900 डेमो रुपीज मिले हैं मेरे डेमो अकाउंट में। काश ये ट्रेड मैंने अपने लाइव अकाउंट से खोला होता तो जिससे बस कुछ क्लिक से ही मैं अपना प्रॉफिट विड्रॉ कर सकता। तो भाई से ज्वाइन कैसे करूं? बहुत इजी है, आज ही स्टार्ट करें बोनस के साथ जो ओलम ट्रेड लेके आया है मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर पाएं 1,00,000 अपने डेमो अकाउंट में और यूज करें मेरा प्रोमो कोड TOP30 ताकि आपको मिले 30% एक्स्ट्रा डिपॉजिट, मतलब 1,000 की जगह 1,300 रुपए। जल्दी डिस्क्रिप्शन चेक करें, ओलम ट्रेड पर अपना प्रॉफिट एंजॉय करें। ये तो बहुत बढ़िया भाई, अभी डाउनलोड करता हूँ। जल्दी कर और जल्दी, फ्लाइट का टाइम हो गया। चलो चलो। टैक्सी चाहिए क्या? आओ आओ वाली में बैठ लो। हाँ जी, क्या हाल चाल? अरे अपनी वाली खड़ी तो है, आओ बैठो फटाफट। आओ इसमें आ जाओ भाई साहब, फुल एसी है। भाईजान एसी के साथ ठंडा पानी भी है, इसमें आओ। तुम इस वाली में आओ यार, ठंडे पानी के साथ साथ बीएफओ भी मिलेंगी फुल एचडी क्वालिटी की। आओ यार इस वाली में बैठेंगे कार्तिक भाई, बात बीएफओ की नहीं है, बस ये मुझे आदमी अच्छा लग रहा। अरे सुनो, इन सबसे 200 रुपए कम दे दियो, आ जाओ। अरे भाईजान इसमें बैठो, 500 रुपए कम लूंगा। अरे तुम इस वाली में आओ यार, पैसे ही ना मांगूंगा, जो तुम दोगे वही रख लूंगा। देखो कार्तिक भाई मैं कह रहा ना, ये आदमी बढ़िया, आओ इनकी में बैठेंगे। हाँ भाई उस केस का क्या हुआ जो तूने 2 टूरिस्टों को गाड़ी में बिठा के गाड़ी खंती में घुस दी थी? केस चल रहा नहीं पड़ गया? अरे वो खंती में थोड़ी घुसी थी गाड़ी मैंने, वो तेरी बहू की टांगों के बीच में घुस गई, लोग उसे खंती समझने लगे। बस कम ये चला रही है, कस्टमर को भड़का रही है, चूतिया बना रही है। बैठो तुम बालो, बैठो, देख रहो। और बताओ जी भाईजान क्या हाल चाल है?
रहन दो यार, हमें कहाँ बताना चाहोगे गरीबों को, छोड़ो। अच्छा ये तो बता दो आए कहाँ से हो। रहन दो यार, कहाँ बताने दिल कर रही होगा हम गरीबों को, छोड़ो भाई। चुप माताचोद, बोले चले यार, यहाँ बोलने दे रिया तू मुझे, और तूने अभी तक ये तक का पूछा ना हमसे कहाँ जाना हमें, बस चले यार यार, चले यार यार। अबे हाँ यार, ये तो पूछा ही ना जाना कहाँ पे, मैं भी कितना बड़ा चूतिया निकला। यहाँ रोक देता हूँ साइड में खेतों पे, अभी यही बात कर लेंगे पूरी, है ना। आ जाओ जी भाईजान, बाहर को आ जाओ, बातचीत करे लें। अब बताओ कहाँ जाना है तुम्हें। देखो जी भाई साहब, हम लोग हैं यहाँ पे टूरिस्ट, कंपनी की तरफ से हमें घूमने के लिए 10 दिन का पैकेज मिला था, लेकिन हमने उनसे पैकेज नहीं लिया, हम अपनी मर्जी से यहाँ घूमने आ गए। अब तुम हमें इतनी बेहतरीन बेहतरीन जगह घुमा दो यहाँ की, क्या मजा आ जाए। बहुत तेज नसीब है भाई जबरे तेरा, क्या खाया तेरी अम्मा ने जब तू पैदा हुआ तो। क्योंकि बेटे मैं भी नसीब वालों को मिलता हूँ, ऐसा नहीं मिलता हूँ, इस दुनिया का सबसे बड़ा टैक्सी ड्राइवर मैं ही तो हूँ। हैं? और देखो, बात और पजामा जितनी जल्दी खुल जाए इतना ही बढ़िया रहता। रोज का घुमाने का 10,000 रुपए लूंगा, टूल टैक्स पेट्रोल आपका। अबे ओ, तू वहाँ पे तो यूँ कह रही है, जो हम देंगे वो तू रख लेगा। वो तो मेरे मुंह से निकल गई धोखे से। साले चूतिया समझ दिया हमें, इतने ज्यादा पैसे मांग रहे हैं यहाँ को लाके। वहाँ कुछ और कह रहा था, हम तेरी टैक्सी में जा ही ना रहे अब। हाँ तो मत जाओ, जाओ यहाँ से। तो यहाँ की छोड़ लिया, जहाँ से बिठा के लाया वहाँ छोड़ के आ। अच्छा चूतिया दिख रही हूँ, 45 किलोमीटर दूर है बेटे, इतने रुपए का तेल फिर भूकूं भक। अबे बड़ा सुअर है साले, अभी 5 किलोमीटर तू पूरा ना चला होगा, 45 किलोमीटर कर दिया तूने। झूठ ना बोलू तो 20 किलोमीटर तो है ही है। कितना भी दूर है ना, हम तेरी टैक्सी में नहीं आ रहे। चल बे चल, तू बैग निकाल, दूसरी टैक्सी करेंगे। अच्छा सुन, 8,000 रुपए दे दिए पेट्रोल टोल टैक्स तुम्हारा, अब सही है? अब भी महंगा। एक काम कर कुत्ते, तू पैदल ही जा, मैं तुझ पर तरस खा रही है यार, पैदल जाकर कम रेट कर लूं, पर तू पैदल ही जाएगा, तुझे मैं भी ना लेके जाऊंगा, भाग यहां से। हाँ तो जा रहे हैं। अब तो भाग यहां से बेंचोद, भिखारी साले आ जा टूरिस्ट। सुन, 5,000 रुपए दे दिए पेट्रोल मेरा, टूल टैक्स तेरा, अब तो खुश होगा, मजा आ गया। अब तो महंगा आती आती के भोसड़े आया क्यों है फिर, महंगा महंगा कर रही है हर बार, बहन के लोड़ा भाड़ दूंगा बीच में से। आ जाओ टूरिस्ट बन के भिखारी हो सालो, भागिया से पैदल जाओ। हाँ तो जा तो रहे, तू ही आ जा रही है बार बार। अब तू 1,00,000 रुपए देगा ना इस गाड़ी में बैठने के, तब तुझे ना बिठाऊंगा, पैदल जा, जाए ऐसे चल भैया। बैठ गाड़ी के अंदर बैठ, 5,000 रुपए टोल टैक्स पेट्रोल मेरा, चुपचाप बैठ। अब इनके भोसड़े सुअर भर दूंगा, 1 घंटे नाटक कर रही है महंगा महंगा, अबे सब जगह घुमाऊंगा भी, अब कमरा भी मैं ही दिलाऊंगा, सब काम मैं करूंगा, फिर भी बैठ बैठ रिया ना बैठ रिया बैठ, वो कमरा भी दिलाएंगे सालो तुम्हें, वो घुमाएंगे भी बहन चौदह। पहले ही दिन देखो कितनी शानदार जगह लेकर आया हूँ, और ऊपर से आज तो मौसम भी कुछ लंडैत हो रही है। अरे लंडैत ना होता, वो सुहाना हो बे। अच्छा वैसे इस किले का नाम क्या है? इस किले का भूरी का किला। एक सेकंड तुम मुझे 1 सेकंड दो, यहीं रुकी रही है गाड़ी, 1 सेकंड। अरे गार्ड साहब, मैं कह रही हूँ ये किसका किला है यार? ये जितेंद्र साहब का किला है। अबे यार, हमने तो भूरी का किला बता दिया। अबे यार ये अब सच बता देंगे, एक काम करता हूँ, ये जान से मार देता हूँ। अब हो गया ये भूरी का किला।
यार क्या कर रहा हो यहाँ, चलते क्यों ना उधर को, मैं वहां ढूंढ लिया तुम्हें यार। तू ही तो क्या गया, एक सेकंड रुको अभी आ रही हूँ मैं। मेरी इतनी बात माननी है तो चल गाड़ भी दे अभी फटाफट। साले पागल है क्या, ड्राइवर है, ड्राइवर की औकात मेरे, चल किला घूमा। आ तो आ। अबे ड्राइवर चौकीदार तो मरा पड़ा। अबे नहीं भाई सोरिया है ये, मरा हुआ थोड़ी है। अबे तू पुलिस को बुला जल्दी। भाई पुलिस को क्या बोला, अगला आदमी सोरिया उसकी नींद खराब कर रहा हो तुम, पुलिस बुला भावले हो कौन हो। अबे तो साले इसके सिर में खून भी तो निकल गया, वो देखिए जरा। खून नहीं है ये यहाँ के लोग बहुत हरामी है ना, पान खा के थूक गए होंगे इसके ऊपर, खून थोड़ी है। आओ तुम किला देखो यार, और बातें मत छोड़ो। अबे ड्राइवर यार तू तो चुप चला जा रही है, इस किले के बारे में हमें कुछ बता तो सही। अच्छा ये जो किला है, अबे 500 का नोट है मेरी जान, ये तो काम बढ़िया हो गया। अबे मेरी जिम में से 500 का नोट कहाँ चले गया यार, कब से ढूंढने फिर रही हूँ, यूं ही तो उदास हूँ मैं। देखिए 500 का ये क्या नोट। हाँ 500 का। अबे तो मेरा ही तो है ये यहाँ गुला। साले तू तो हमारे साथ है बहुत टाइम से, तेरा कहाँ से गिर गया। मैं कल आया ना, कल गिर गया होगा। कल से तो तू हमारे साथ है। यार दे दो मुझे ही, देखियो टोल टैक्स भी मेरा ही, पेट्रोल भी मेरा यार। अरे ले भैया तू ही रख लिए 500 रुपए। अब तुम्हें और शानदार जगह घुमाऊंगा किले की। आओ 200 साल पुराना किला है फिर भी चमक दमक देखो कितनी शानदार है किले की। और ये जो थी भूरी हमारी जिनका किला है, इस वाले एरिया में अपनी सहेलियों के साथ जबरदस्त डांस करती थी। आलू चाट वाला गाना सुना? आलू चाट। अबे आलू चाट गाना ना सुना, गांव की हर शादी में इस गाने की तो माचुदा है। अब भी ना समझे आलू चाट। हाँ ये सुना, ये सुना। हाँ तो इसमें जो कोरियोग्राफी करी है वो पूरी भूरी जी ने करी है। यहाँ कोई झाटू, जब से हमें तू मिला है तब से हमारा चूतिया काटे जा रही है। ये 200 साल पुराना किला बता रही तू अभी, और गाना अभी कहा हुआ भोरी जी ने दिया। अगर दलीले निकाल लिया ना तो खुद ढूंढ ले किला और खुद घूम ले पूरे एरिया में, जा रही हूँ मैं घर को। अबे सुन ये झाड़िया कैसे हिल रही है, यहाँ पे बहुत सारे बिस्कपड़े और सांप रहते हैं, नेवले भी हैं यहाँ, इन्हें भगाता हूँ, रुक जाओ अभी। ये क्या है भाई, ये कोई नई बात नहीं है। तुम दिल्ली के किले पे चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, तुम आगरा चले जाओ, आशिक अपनी माचुत बातों में मिल ही जाएगा। ये तो ये दीवारों की ऐसी तैसी मार रखी है इन्होंने यार। आओ दूसरी साइड दिखाऊं तुम्हें, ये वाला एरिया वो है जब जब राजा साहब का दुश्मनों से झगड़ा होता था तो गोलियां यहीं से चलती थी। अबे क्या ड्रामा आई, कुछ ना कह सकते यार इनसे। आओ दूसरी जगह दिखाऊं, बहुत गंदा राख कर रखा है यहाँ का यार। अब तुम्हें इस पूरे किले की सबसे खूबसूरत, तुम एक मिनट यहाँ ही रुको, बाद में दिखाऊंगा तुम्हें जगह, पहले इस मादर चोट से निपट के। कहाँ है वे आसिक, तू बाहर निकल जा रहा। तू रुक जरा भी, पहले इसे ही देखता था। साले दिख मत जाइए, फाड़ दूंगा। एक तो वैसे ही ट्यूशन के बहाने से आई हूँ। तू भी मत दिख जाइए साले, फाड़ दूंगा। आओ चलना है कहीं और, घुमा के लाऊं तुम्हें। अरे वो वाली जगह तो दिखा दे जो तू कह रही है कि बहुत खूबसूरत है। खत्म हो गई यार जगह, दिखा तो दी सबकी सब जगह, वैसे ही मैंने उस पर मार फेर दी, वो पुलिस वुलिस बुला लेगा। आओ फटाफट। ओए इतना जाम क्यों लगा रखा, गाड़ी हटा फटाफट, आगे झगड़ा हो रही है। अब तो मैं क्या करूं साले, सबको मारूंगा अभी, गांड मार लूंगा एक एक की, जाके बता मुन्ना भाई आए टैक्सी वाले, फट जाएगी सबकी। ऐसा है, दोनों पार्टी के हाथ में तलवारें बंदूकें हैं।
भाई ना ऊपर वाले का नाम पर कुछ दे दो। अबे ओ पागल हो गया क्या? अबे साले बच्चा था, 10-5 रुपए ही दे देता, तूने पूरी 100-100 के नोटों की गड्डी दे दी उसे। अरे यार भाई साहब, गरीब की मदद करने से हम कोई भिखारी ना बन जाएंगे। कोई दिक्कत ना, इन लोगों की मदद करनी चाहिए। मेरे पापा कहते हैं जितनी गरीब की मदद करेगा ना इतना तेरे साथ अच्छा होगा, आप भी किया करो। चल जाम खुल गया है कुछ। मुझे लग ही रहा था तू पैसे देख कर घबरा जाएगा, तेरे ही बेटे रख ले जा सब। भोसड़ी के रैप्टा मारा ठीक हो जाएगा, चुरन वाले नोटे पकड़ ही ले। देख रहो यार आजकल के बच्चों की बहन के लोड़े कितने चलाक हो गए, कितनी जल्दी पहचान लिए नकली नोट। अरे भालू, नकली नोट देके कितनी लंबी फेंक रिया कि गरीबों की मदद करनी चाहिए, ये है और वो है। अबे फेंकने की बात ना, मैं सोच रहा बच्चा ही तो है, ये पहचाने का थोड़ी। जाओ बेटे पैसे नहीं है और यही थे नकली वाले, चलो जाओ। पैसे तो देगा बेटे, वरना तेरा यहीं खोपड़ा फाड़ दूंगा। देरी हूँ, चल उल्टा सीधा क्यों बोल लिया साले, देरी हूँ। पीछे को तो हो ले थोड़ा सा। क्या हुआ ये? गाड़ी बंद हो गई और क्या हुआ? कैसे? मैं मुझे क्या पता, चूतिया आदमी, मैं भी तो गाड़ी में ही बैठा हूँ, देखना पड़ेगा क्या हुआ है। ओ शिट यार। इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। अबे भैया बहुत गर्मी हो रही है, तू इसे ठीक करा के ले आइए, हम इतने किसी से हेल्प लेके होटल की तरफ को जा रहे हैं। हाँ ठीक है जाओ। यार यहाँ तो दूर दूर तक गाड़ी ना दिख रही, किससे यहाँ में? अरे वो आ तो रही है गाड़ी। अरे भाई साहब रोक लियो यार, रोक लियो, हेल्प चाहिए यार। हाँ बता। अरे यार भाई साहब हमारी गाड़ी खराब हो गई यार, थोड़ी आगे तक जाना, छोड़ दोगे क्या यार, हमारी मदद कर दो। हाँ बैठो फिर। अरे हो गया काम, आ जा। क्या ड्रामा कर रहा हो, कहाँ जा रहा हो? जब तुम्हारी गाड़ी सही है अच्छी खासी, तो उन्हें भाई साहब को क्यों परेशान कर रहा हो? अबे तू तो यूँ कह रही है गाड़ी खराब हो गई, स्टार्ट ही ना हो रही। खाली मूली में स्टार्ट ना हो रही, कौन कह रही खराब हो गई, नाटक बना रहा हो, देखियो स्टार्ट है। साले चूतिया समझ गया है, हाँ बाला चोद भाग ऐसे। क्यों बे कुत्ते, जब गाड़ी ठीक थी तो तू ये नाटक करने की जरूरत थी? इतनी गर्मी में मैं सड़वा रही यहाँ पे, और ऊपर से उससे पिटवा दिया तूने, बेइज्जती करवा रही हमारी। उस्ताद चेतने का काम नहीं है, देखो चुम्मा भी दे दिया तुम्हें मैंने। बोर होता हुआ आ रहा है चुप चुप एकदम, ये तो थोड़ी सी हंसी मजाक करी है, अब हंसी मजाक भी ना करें। इतनी गर्मी में तो ये मजाक सूझ रही है। बैठ बैठ गाड़ी में, चल स्टार्ट करके लेके चल। समझ में ना आ रही, ज्यादा मजाक ना हो रही है अब? यार इस बार मजाक नहीं कर रही है, ईमानदारी से हो ही ना रही यार आपके स्टार्ट, कसम से। पर तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें टैक्सी में बिठवा के होटल पहुंचवा रही हूँ, सही है? मैं सही करवा के ले आऊँ भाई से, बाहर को आओ, टेंशन मत लिए तुम, बाहर को आओ। गाड़ी सामने से
उसे रोकता हूँ मैं, सही है तुम बैठ के चले जाइए। रोक लिया यार भाई, रोक लिया यार, एक मिनट रोक लिया। कौन हो तुम? अगर तुझे तेरी माँ ने स्कूल में न पढ़ाया होता, मोहल्ले में घुमाया होता, छपरी बनाया होता, तो तुझे हमारी पोजीशन देख के पता चल जाता हम गुंडे हैं। इस मादरचोद ने फंसवा दिया। तू कौन है रे कुत्ते, जिसने मेरी गाड़ी रोकने की हिम्मत की? अगर तू ये जान लेता मैं कौन हूँ तो मेरे ऊपर हाथ डालने की कोशिश न करता। मैं हूँ इस एरिए का कमिश्नर, शादी वर्दी में आया हूँ जायजा लेने अपने एरिए का। चुपचाप यहाँ से चला जा वरना इनकाउंटर कर दूँ। कमिश्नर डीके भत्रा? हाँ वही हूँ मैं। जिसने अभी एक बदमाश का एनकाउंटर किया है? हाँ अब पहचाना तूने, देखा कितना खतरनाक हूँ मैं। तुझे पता है वो कौन था? कौन था? होगा कोई, मैं करता रहता हूँ ऐसे इनकाउंटर। मेरा भाई। सरकार मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैं कमिश्नर वमिश्नर रहा हूँ, ये तो अपने बचाव में कह दिया, मैं तो टैक्सी ड्राइवर हूँ। हाँ हाँ भाई सही कह रही है, पकड़ना तो इसे पकड़ो, हम तो टूरिस्ट हैं, घूमने आए। देखियो यहाँ पे हम भाई, ये साले अपने साथ गेम खेल रहे हैं, इन्होंने अपने भाई को मारा है, इन्हें अड्डे पे लेकर चलो और इन्हें वहाँ खतरनाक मौत देंगे। डाल सबको गाड़ी में। अरे तुम टेंशन मत लो यार, कोई दिक्कत की बात ना है, मैंने फंसाया ना मैं ही निकालूंगा। ये जो डाकू है इन्हें ये गलत फहमी है हम पुलिस वाले हैं, इस चक्कर में तो मैं यहाँ को लिया है। अभी बात क्लियर कर दूंगा इनसे जाके कि भैया पुलिस वाले ना है, पता निकाल लो, ये हमें छोड़ देंगे, तुम अपने घर जाइए, मैं अपने टैक्सी संभालूंगा, काहे की टेंशन लेनी है। और सुनो, डाकू भले आदमी है, मैंने जज कर लिया इन्हें। कैसे कैसे? एक भी डाकू ने अभी तक मारा ना, वरना डाकू तोड़े हैं कुछ देर। ये बात सही कह रही है। सालो तुमने मेरे भाई का एनकाउंटर करा था ना, बंद रखो सालो को। तो अच्छा बेटे अब भी बच गए हम, वरना डाकू बेल्टों से फेरे हैं, बेल्टों से, इन्होंने तो लातों घूंसे से ही मारा, बचे पड़े हैं अब भी। हाँ ये भी सही कह रहा हो वैसे तो। मत दो इन कुत्तों को खाने को, सड़ने दो ऐसे ही। चुप भोसड़ी के, जवान से एक शब्द मत निकाल दिए, जो तू बोल लिया ना वो सच हो रही है काली जवान के। हाँ सही कह रही है ये, तू अपनी जवान मत निकाले बिल्कुल भी साला कुत्ता। अरे अब क्या ऐसा कुछ ना कह रही है यार, बहन के लड़ो मैं भी तो पिट रही हूँ तुम्हारे साथ साथ, बार बार थोड़ी पिटता रहूंगा, दुख रिया पूरा बदन, पर मैं कह रही हूँ इस पिटने में भी फायदा हो गया अपना, अकेला मार रिया, वरना मैंने सुना गुंडों की पूरी गैंग मारे गैंग।
कुंडी लगा ले सैया, तुम्हार को जन्नत दिखाती मैं, जन्नत दिखाती मैं, जन्नत दिखाती मैं, जन्नत दिखाती दिखाती मैं, जन्नत दिखाती। ओए 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 ओए, परेशान न हो बलमा, सच्ची मोहब्बत सिखाती, सच्ची मोहब्बत दिखाती, सच्ची मोहब्बत दिखाती दिखाती दिखाती, सच्ची मोहब्बत दिखाती। ओए 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 ओए, कैसा बना यार। एक बात कहूँ यार, देखिए मुझसे रुका ना जा रही है यार, कह दूँ देखिए मेरे पीछे 30,000 रुपये पड़े होंगे ना है। भोसड़ी की ये वाली बात सच ना हुई, पिटने की हो रही है हर बार। वैसे एक बात, चल बे उन तीनों को बाहर तो निकाल के ला जरा। हाँ बताओ। चलो बे, वो रखें कपड़े, उन्हें पहनो और नाच गाना करो, मेरा मनोरंजन करो। ए यार, अब यही काम रह गया नाच गाना, हमसे थोड़ी आवे नाच गाना, मेरे उसकी बात ना है। नाचेगी तू ठुमक ठुमक के नाचेगी, जो तू ना नाचेगी तो गोलीबारी चल जावेगी। डीजे पे नाचेगी तू ठुमक ठुमक के नाचेगी, जो तू ना नाचेगी तो गोलीबारी चल जावेगी। दारू मेरी ठंडी हो रही, ना मिलेगा ब्रेक धनो। नाच रही नाच धनो, 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 नाच रही नाच धनो। कितना नाचूं और मैं बड़ूए, यहाँ लाके तूने फांस दिया। मैंने नहीं फांसा मेरी जान, किस्मत ने ऐसा काम किया। किस्मत का तो तू नाम न ले, तूने ही ट्रिप बदनाम किया। ट्रिप पेन की लोड़ी, क्या ट्रिप था बदनाम किया। क्या मैंने कहा था मेरे पास, क्या मैंने कहा था बैठ मेरे साथ, क्या मैंने कहा था लिफ्ट तुम्हारा, क्या मैंने कहा था पुलिस बता। हाँ हाँ सुअर, सब तूने ही कहा था। ओए नो बकचोदी, only dead। Nachri nach dano, 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 nachri nach dano। मर्द से औरत बना दिया इस बंदूक की नोक पर, नाच ले चोरी चल जावेगी गोली इस चौक पर। मर्द से औरत बना दिया इस बंदूक की नोक पर, नाच ले चोरी चल जावेगी गोली इस चौक पर। सिस्टम तेरा देख के चोरी मैं रह गया दंग। नाच री नाच री नाच री नाच री नाच री नाच दनो, 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 नाच री नाच दनो। जा भाई जा बाहर देख, का कोई है तो नहीं। मेरी बात ध्यान से सुन। अभी यार मैं सोने के मूड में हूँ, अभी मेरा बात करने का मन नहीं है, तू शाम को आ फिर करते हैं बात। तेरी तो बताओ जी भाईजान क्या बात है। मैं जानता हूँ तुम पुलिस वाले नहीं हो, तुम्हें नाजायज फंसाया गया है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। काला काली सूढ़ी हमारी मदद करेगा, पहले अपनी तो मदद कर ले। तू तो खुद चमचा सरदार वो है मोटा वाला, तू साले चमचा चमचा ही बनकर रह ले। रोटियाँ तक तो तुम्हें हाथ ना आ रही, कई दिन से देख रही हूँ मैं। बस रड़ी का जाए यहाँ से, कभी मदद करेंगे भाड़ो। अबे पूछ तो ले, क्या पता मदद करी दे।
वैसे तू हमारी मदद क्यों करना चाहता? मैं गुंडा नहीं था, मैं मजबूरी में गुंडा बना हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह एक आम इंसान था। मुझे तुम पे बहुत तरस आ रहा है, मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कराना चाहता हूँ। चाहे इस नेक काम में मेरी जान क्यों चली जावे, तुम्हें यहाँ से आजाद करवा के ही रहूंगा। देख रिया यार कितने बड़े आदमी है, और मैंने काली किनार भी कह दिया इन्हें, और ये हमारे लिए अपनी जान तक देने को तैयार है यार। कितने मादर चोद है यार, मुझे शर्म आ रही है अपने आप पे। यार कितने बड़े आदमी हो तुम भाई साहब। यार मुझे अफसोस है यार, मैंने तुम्हें काली किनार कहा, कसम से माफी चाहूंगा यार भाई साहब, पर तुम हमें यहाँ से निकालोगे कैसे? मैंने पीछे गेट खोल दिया है, मैं साइड में आकर बॉम्ब ब्लास्ट करूंगा। मेरी पूरी गैंग बॉम्ब ब्लास्ट की तरफ को भागेगी, आप पीछे गेट से निकल जाना। ठीक है भाई साहब, ठीक है। आज तुम्हें देख के मुझे मेरी माँ की याद आ गई, बहुत बड़े आदमी हो। हाँ चल ठीक है, ज्यादा उदास मत हो, बॉम्ब फटने की आवाज आए यहाँ से निकल जाना। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने एक फरिश्ता भेजा हमारी जान बचाने के लिए। चल बे चल, आज कपड़े तू धोगा। अबे चल बे, ये मेरे काम ना कपड़े सपड़ों के, अपने आप दो कपड़े। तेरे काम ना है? हाँ तेरी अम्मा धोती होंगी ना कपड़े, जब बुला के ला वो धोंगी कपड़े। अबे ओ होश में बात कर ले, जा कपड़े धो ले कपड़े। ऐसा है ओदे में तुझसे मैं बड़ा हूँ, मैं दूंगा तुझे ऑर्डर, धो चल चुपचाप कपड़े। अबे ओ ओदे में तू बड़ा होगा, लंबाई में तुझसे मैं बड़ा हूँ। साले मुजोरी कर रहा, तेरे चूतर फाड़ के खरबूजे की खाप बना दूंगा। साले मैं भी तेरे चूतर फाड़ के तरबूज की खाप बना दूंगा। चुप हो सालो, क्या लगा रखा खरबूजे की खाप बना दूंगा, तरबूज की खाप बना दूंगा। सालो तुम्हारे चूतड़ है फल फ्रूट की दुकान, लाओ मैं दूंगा कपड़े। इनके लोड़ों को अब भी शर्म ना रही, सरदार कपड़े धोरियो। हेलो, ओके आई एम कमिंग योर प्लेस। चलो मैंने कहा था ना भाई, ये भागने की पूरी कोशिश करेंगे। अबे कितना सुअर है बहन के भोसड़े, ये मजाक मत करे, कसम से इसने ही हमें प्लान बताया, पूरा दरवाजा खुला मिलेगा और ऐसे भाग जियो और पैसे भाग जियो, ये नाटक मत करे साली काली किनाल। ये तू देख रहे हो भाई कैसे भड़का रही है मेरे खिलाफ ये साले, मुझे मेरी गैंग के खिलाफ भड़काता है और मेरी कैद से भागने की कोशिश कर रहा है, ये पुलिस वाली चाल मेरे साथ मत चल। यार सरदार यकीन कर लो मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, ये दोनों टूरिस्ट थे मेरी टैक्सी में, यार पुलिस वाले ना है हम। हट बेंचो, डालो सालों को कैद में। यार समझ क्या ना दे रहे हैं यार। भाई मैं तेज हो गया हूँ, मेरी सैलरी बढ़ा देना। सुन बे सज्जाद एक्सपोर्टर के लड़के को उठा के लेगा, उससे पैसे लेने हैं। सज्जाद एक्सपोर्टर? अब वो तो राजू बदमाश के एरिया में आता है जिससे हम पिट के आए थे, देखा ना कितना बुरा मारा, अगर उसे पता चल गया मैं उसके एरिया में हूँ तो वो तो बीच चौराहे में नंगा करके मारेगा मुझे। अरे इसी डर के चक्कर में तो मैं ना जा रिया, तू टेंशन मत ले, तू हिम्मत रख, तू जा कुछ ना होगा आपके। मैं ना जाने वाला, चाहे नौकरी से निकाल दो अभी। पे साले डरपोक। अच्छा सुन मैं इसे पोलार्ड को बुलाता हूँ,
इससे बोलूंगा सज्जाद के लौंडे को उठाना, ये काम कर भी लेगा या नहीं? तू एकदम कहना नहीं भाई इसे मत भेजो, इसके बस की नहीं है। फिर वो तैस मार के कहेगा कि भाई मैं ये काम कर लूंगा, ठीक है, वो चला जाएगा और हम दोनों बच भी जाएंगे। हाँ 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 ये सही है। पोलाइट यहाँ गुआ। सज्जाद के लौंडे को उठा के लाना, ये काम कर लेगा? अरे भाई इसे कहाँ भेज रहे हो, इसके बस की है, ये बच्चा है भाई, अभी हम करेंगे ये काम। हाँ भाई सही कह रही है, मैं बच्चा ही हूँ, मेरे बस की ना है ये काम, इसे ही भेजो। हाँ भाई तू ज्यादा जिद कर रहा, तू ही जा। ए भाई ये तो अपनी प्लानिंग थी यार। अरे ना तू ही जा। ए, मैं ना जाऊंगा, मैं पहले कह रहा हूँ। और तू साले झांटू, तुझमें हिम्मत ना, काय का गुंडा है तू? अबे तो तुझमें भी तो हिम्मत ना है, तू भी तो ना गया, तू चला जा। बे चुप सालो, उन तीन कैदियों को लेकर आओ, उन्हें भेजेंगे। सुनो बे, तुम्हारे लिए एक काम है, तुम्हें मेरे भांजे को लेके आना है। मैं अपने भांजे के घर जा नहीं सकता क्योंकि मेरी बहन से मेरी बनती नहीं है, और मुझे बहुत दिल कर रहा है अपने भांजे को प्यार करने का, इसलिए मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, जाओ और उसे लेके आओ। वही वही, ये तो बहुत बढ़िया मौका मिल गया भागने का। ठीक है, हम आपके भांजे को ले आएंगे। क्या नाम है आपके उनका, बहनोई का, भांजे के अब्बा का? सज्जाद एक्सपोर्टर नाम है। ठीक है अभी लाता हूँ, दो मिनट के अंदर अंदर। साले अपना आप कुछ ज्यादा चलाक समझ रही है, भागने की पूरी प्लानिंग बना ली। जितने चलाक तुम हो उससे ज्यादा चलाक मैं हूँ। ये पकड़ मेरी कार लेके जा, अब तुम भाग ही नहीं सकते। अगर तुमने भागने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारे नाम की रिपोर्ट कर दूंगा कार चोरी की। शिट यार, मैंने पूरा प्लान बना लिया था भागने का यार, लेकिन साले ने चलाकी खेल दी, चाबी दे दी, चोरी का इल्जाम लगा दे अगर भागे तो। एक काम करते हैं, इनकी चाबी यहीं फेंको और भाग लगा दो सीधी। अरे भाई ये तो चाबी फेंक के भाग गए, पकड़ सालों को। अबे ये तो पीछे ही ना छोड़ रहा है। हाँ यार एक काम कर, वीडियो को जो भी करते हैं मैं छोड़ूंगा, बाकी बात में देखते हैं। आज ही स्टार्ट करें बोनस के साथ जो ओलम ट्रेड लेके आया है मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर पाएं 1,00,000 अपने डेमो अकाउंट में और यूज करें मेरा प्रोमो कोड TOP30 ताकि आपको मिले 30% एक्स्ट्रा डिपॉजिट, मतलब 1,000 की जगह 1,300 रुपए। जल्दी डिस्क्रिप्शन चेक करें ओलम ट्रेड पर, अपना प्रॉफिट इंजॉय करें।